एक प्राचीन ध्यान विधि जिसे मैं कंपन ध्यान विधि कहता हूं। ज्यादातर नए साधक विपसना ध्यान विधि से परिचित होंगे, परंतु विपसना ध्यान विधि में जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। विपसना ध्यान एक स्लो और लंबा प्रोसेस है, और यह कंपन ध्यान विधि या कहूं ऊर्जा ध्यान विधि मंत्र जाप की ही एक विधि है। ये समस्त विश्व, ये ब्रह्मांड, ये जगत, इसका जन्म एक विस्फोट से हुआ, और जब से इस ब्रह्मांड में निरंतर एक कंपन चल रहा है, एक प्रकार की गूंज, और इस कंपन ने ही इस विश्व को संभाले हुआ है। इस कंपन की शक्ति के माध्यम से ही सभी चीजें अपनी जगह पर सटीक मौजूद हैं, और वे जीवंत हैं। हर एक प्लेनेट का अपनी एक जीवन अवधि होती है, और वह जीवन शक्ति उस कंपन के माध्यम से ही मिलती है। अब याद रखना, जहां ऊर्जा है वह कंपन तो होगा ही, और ये ऊर्जा हर एक जीव जंतु में है, मनुष्य में भी है। तो मतलब हम सब में एक प्रकार का कंपन है, परंतु हम इस कंपन को सुन नहीं पाते। और जब हम अपने ही भीतर के कंपन को नहीं सुन पाते, तो हम इस जगत, इस ब्रह्मांड के कंपन को भी नहीं सुन पाते। तो इसी कंपन की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मंत्र जाप की खोज की। देखिए, हर एक शब्द, हर एक ध्वनि में कंपन तो होता ही है। आप अपने मुख से किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे या किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालेंगे, तो उसमें कंपन होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ विशेष मंत्रों की खोज की गई, और हर एक मंत्र की ध्वनि में विशेष प्रकार के कंपन होते हैं, जो अलग अलग आयामों से संबंधित हैं। जैसे एक मंत्र है ओम, इस ओम की ध्वनि में इस ब्रह्मांड के बनने का कंपन है। तो जब आप साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके साधारण शब्द आपको भौतिक जगत से जोड़ते हैं, जिससे आप भौतिक जगत का ज्ञान हासिल करते हैं। अगर आपको संगीत के स्वरों में थोड़ी सी महारत हासिल हो जाए, तब आप इस भौतिक जगत में एक विशेष प्रकार का पद हासिल कर लेते हैं, जो आपको साधारण व्यक्ति से थोड़ा ऊपर ले जाता है। इसी प्रकार अगर आप अपने स्वरों को और उनके कंपन को जान जाओ, तो आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। जब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मंत्र जाप करते थे, तो उनका वो मंत्र जाप काफी लंबे समय तक चलता था, वह निरंतर चलता रहता था। वे एक बनावटी ध्वनि निकालते निकालते उनकी ध्वनि स्वाभाविक बदल जाती थी, और वह ध्वनि एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती थी। इस गहरे प्रयास से वे अपने आप को इस ब्रह्मांड के कंपन से जोड़ लेते थे, और उन्हें अस्तित्व का ज्ञान हो जाता था। जब आप अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उसके कंपन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यह अस्तित्व आपको अपना ज्ञान देता है। ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अस्तित्व के सभी सवालों के जवाब आपके पास होते हैं। अगर आप अस्तित्व को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी मनुष्य को आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास हर मनुष्य के सवाल का जवाब होगा। तो अब सवाल यह उठता है, आपको अपनी वाइब्रेशन को इस अस्तित्व की वाइब्रेशन यानी इसके कंपन से कैसे जोड़ना है। इसके लिए आपको एकांत में सहजता से बैठ जाना है, अपने बाएं हाथ की हथेली में दाएं हाथ को उल्टा करके रख लेना है, कुछ इस तरह से। अपने शरीर को शिथिल कर लो, बिल्कुल शांत। उसके बाद अपने गले के माध्यम से एक प्रकार का कंपन निकालना है, कुछ इस प्रकार से। आपको अपना मुंह बंद रखना है, मुंह बंद करके कंपन गले से आने देना है। इस ध्वनि को निकालते समय आप अपने गले पर ध्यान देंगे, तो आप वहां पर साफ साफ एक प्रकार का कंपन महसूस कर पाएंगे। शुरू में आपकी ध्वनि सही नहीं निकलेगी, परंतु अभ्यास करते करते आपकी ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि से मैच होने लगेगी।
और आप उस कंपन को निकाल पाएंगे जो कंपन अस्तित्व में निरंतर गूंज रहा है। इस प्रकार का कंपन, या मैं कहूं इस प्रकार की ध्वनि आपको 30 मिनट तक निकालनी है। इस 30 मिनट में आपको अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगेगा। जिस प्रकार एक स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया जाता है और उस स्प्रिंग में कुछ समय तक कंपन रहता है, वही कंपन आप अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। आपके शरीर की एक एक कोशिका मानो उसी प्रकार का कंपन कर रही है। वह कंपन आप महसूस कर पाएंगे और उस कंपन से जो ऊर्जा निकलती है, आप उस ऊर्जा को भी महसूस करेंगे। वही ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से कनेक्ट होगी, जिससे आपका स्वयं का अस्तित्व गिरकर आप इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण में आपका मुख खुल जाएगा, लेकिन उस ओम के उच्चारण में भी जो ध्वनि निकलेगी वह आपके गले से निकलेगी। ओम की ध्वनि में भी आपको अपने गले पर कंपन महसूस होगा। आपको जो भी मंत्र उचित लगता है आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रयोग को करते समय जैसे ही आपकी ऊर्जा का संपर्क इस जगत की ऊर्जा के साथ होगा, तब आपको आपके सभी सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे और ये जगत आपको भरपूर ज्ञान देगा। इस प्रयोग के दौरान आपके मन में जो भी विचार आए उन विचारों को आने दें। आपको विचारों से कनेक्ट नहीं होना है, आपके विचार स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अगर आप अपने विचारों में रस लेंगे तो वह अधिक आएंगे, तो विचारों के आने की चिंता ना करें। बस उस ध्वनि, उस कंपन, उस ऊर्जा को महसूस करें। ऐसा भाव करें कि पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, एक प्रकार की ऊर्जा उठ रही है और वह ऊर्जा अस्तित्व में फैल रही है। अपने भीतर उठ रही ऊर्जा को अस्तित्व में जाने दो, उसे अस्तित्व को ही दे दो। जब आपके भीतर की ऊर्जा अस्तित्व में फैलेगी, तभी वह ऊर्जा एक प्रकार का सेतु बनाएगी, जिसके माध्यम से आपके भीतर भरपूर मात्रा में यह अस्तित्व आपको ऊर्जा देगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे मानो आपके भीतर की खराब ऊर्जा इस अस्तित्व में मिल जाती है और अस्तित्व की शुद्ध ऊर्जा आपको मिलने लगती है। इस प्रयोग में आपको आसानी हो जाए, इसके लिए मैं एक म्यूजिक देता हूं। इस म्यूजिक के साथ आप अपने कंपन को, अपनी ध्वनि को मैच करने की कोशिश करें और इसे 30 मिनट तक करते रहें, कुछ इस तरह से।
या कुछ इस तरह से।
Oh.